नमस्कार दोस्तों, संसार सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक। पिछली बार मैंने आपको कुछ अद्भुत और इमेजिंग वेबसाइट्स के बारे में बताया था, जिन्हें देखकर बहुत ताज्जुब होता है। ये कुछ विचित्र साइट्स होती हैं। ऐसे ही आज मैं आपको एक साइट के बारे में बताऊंगा, जिसे देखकर आपको ताज्जुब होगा और अच्छा लगेगा। जैसे हम मैप पर किसी भी शहर को देख लेते हैं और बड़ी आसानी से जान सकते हैं उसके बारे में, ऐसे ही इंटरनेट का एक मैप होता है। जो इंटरनेट की साइट्स होती हैं उसका एक मैप होता है। एक ऐसे ही साइट की हम आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको बताएंगे। तो ये जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो देखते रहिए। यदि आपने मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे द्वारा जब भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, उसका संदेश आपको मिल जाएगा, उसका मैसेज आपको मिल जाएगा और आप बड़ी आसानी से मेरी वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ये मेरा चैनल है संसार सागर। यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। आप यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल संसार सागर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे द्वारा जब भी कोई नया वीडियो बनाया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी। जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं और यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा मनोबल बना रहे और मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में आप लोगों के लिए लाता रहूं। जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं उसको शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी ही तरह दूसरे लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और वो मेरे वीडियो को देखकर सीख सकें और जान सकें। मेरे वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल यदि आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे साइट के बारे में बताऊंगा जो कि इंटरनेट मैप को बताती है। ये साइट हम जब भी किसी मैप को देखते हैं तो मैप को देखकर हम किसी भी शहर या देश या गांव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से इंटरनेट की जो साइट्स होती हैं उसका भी एक मैप बनाया गया है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। यहाँ ऊपर एड्रेस बार दिया गया है, यहाँ पर आप टाइप कीजिए इंटरनेट मैप। जब आप यहां पर इंटरनेट मैप टाइप करेंगे उसके बाद इंटर कर दीजिए और जैसे ही आप इंटर करते हैं एक पेज ओपन हो जाता है। इस यहां पर इस पेज में सबसे ऊपर जहां द इंटरनेट मैप लिखा हुआ है यहां पर आप क्लिक कीजिए और जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ये एक साइट ओपन हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये इंटरनेट मैप, यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद यहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर बताया गया है ये साइट्स जो कि ये कलर बताती है कि ये यूनाइटेड स्टेट की
जो भी आप मैप पर साइट देखेंगे और वो साइट्स इस कलर में होंगी तो वो यूनाइटेड स्टेट की होंगी, और ये जो है इंडिया की साइट है इस कलर में आप देखेंगे तो ये जो है इंडिया की साइट्स हैं, ये चाइना की हैं, जर्मनी की हैं, रसिया, जापान, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, ब्राज़ील, स्पेन, ईरान, मेक्सिको, पोलैंड, तुर्की, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, कनाडा वगैरह वगैरह, जहाँ की भी साइट हैं आप उन्हें इंटरनेट मैप पर इस कलर में देख सकते हैं। ये अलग अलग देश की सिंबल को यहाँ दिखाया गया है और यहाँ बताया भी गया है साइट्स की संख्याएं जो दी गई हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है एक इंटरनेट मैप दिया गया है। देखने में आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि इसमें कौन सी नई बात है, ऐसा फील हो रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक चमकते हुए सितारे दिख रहे होंगे, लेकिन ये जो है साइट्स दी गई हैं, ये इंटरनेट की मैप है। यहाँ पर जो इन साइट को देख रहे हैं आप, ये इनकी पॉपुलरिटी के हिसाब से इसको बनाया गया है। जैसे यहाँ ये जो है इस सर्कल को आप देख रहे हैं, ये जो है बाकी सर्कल में से बड़ा दिख रहा है। तो यदि हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बताता है कि ये जो है google.com है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व में google.com जो है वो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है या सबसे बड़ी ही साइट है, जहाँ पर हम या आप या कोई भी जो भी सर्च करता है, जो भी साइट्स को देखता है वो गूगल पर ही देखता है ज़्यादातर। ये इसके बगल में हम देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है कि ये जो है facebook.com है। आप जानते हैं पॉपुलरिटी के हिसाब से फेसबुक भी हर व्यक्ति यूज करता है और ये भी एक बड़ी साइट है। इसके बाद हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लिक करें, ये yahoo.com है। याहू भी अपनी पॉपुलरिटी के हिसाब से ये इसका सर्किल जो है बताया गया है। ये ऐसी बहुत सी साइट्स हैं, यदि हम इसको जूम करें तो ये जो है साइट्स का जाल बड़ा होता जाता है और ये अपनी URL के साथ हमें अपनी साइट्स को दिखाता है। ये google.com है, yahoo.com है, Facebook है, YouTube है जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं। और यदि हम और इसके नज़दीक जाएं, इसको और जूम करें तो ये साइट्स का जाल जो है वो स्पष्ट होता जाता है और हमें पता चलता है कि ये जो है कौन सी साइट्स है, ये अपने URL को बताता है। ये बिटली है, ऐसी ही बहुत सी साइट्स हैं। यदि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है साइट्स का नाम आपके सामने आ जाता है, इसकी डिटेल्स यहाँ आ जाती है और साथ ही साथ हमें इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये देखने में बड़ा अजीब सा लगता है लेकिन है ना, एक आश्चर्यजनक अद्भुत। ये about.com है, ये amazon.com है। आप ऐसे ही सभी साइट्स को देख सकते हैं और इनकी पॉपुलरिटी के हिसाब से आप इसे जान सकते हैं। अब इंडिया की हम बात करते हैं, ये जो है इस पर यदि हम इसको बड़ा करें तो ये एक इंडिया की साइट है और इस कलर में आप जो भी देखेंगे ये इंडिया की साइट हमें शो करता है। और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये एक
अजीब सा लगता है, लगता है कि सिर्फ एक चमकते हुए सितारे हैं, लेकिन ये जो है इंटरनेट मैप है। आप देख सकते हैं इनकी पॉपुलरिटी के हिसाब से, ये सितारे जैसे आसमान में सितारे जगमगाते हैं, ऐसे ही इनकी पॉपुलरिटी के हिसाब से ये अपने मैप पर जगमगा रहे हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। नमस्कार।